अपने बयानों और कार्यशैली से चर्चाओं में रहने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार को वह ग्वालियर में अतिक्रमण हटाने से नाराज लोगों के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, आप लोग मुझे जूते मार लो, डंडे मारे, चाहे पत्थर फेंकवा दें, मैं वही करूंगा जो शहर और आने वाली पीढ़ियों के हित में होगा। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। रविवार को ग्वालियर के किला गेट इलाके में नगर निगम और प्रशासन के अफसर अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। यहां जेसीबी चलने लगी तो लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोग हंगामा करने लगे, पुलिस ने लाठियां चलाकर उन्हें खदेड़ा। इसके बाद स्थानीय कांग्रेस नेता भी पहुंच गए थे। पुलिस नेताओं को उठाकर ले गई, उन्हें घर में नजर बंद कर दिया। ये इलाका ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का विधानसभा क्षेत्र है। लोगों ने क्षेत्रीय विधायक तोमर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमले ने यहां अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही भी की थी। कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय लोग काफी नाराज थे, खास तौर पर अपने विधायक से जो प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री भी हैं। अगले साल विधानसभा का चुनाव होना, ऐसे में प्रद्युम्न सिंह तोमर की मुसीबत बढ़ सकती है। इसलिए दोपहर में ऊर्जा मंत्री तोमर नाराज लोगों के बीच पहुंचे। लोगों ने मंत्री के सामने भी गुस्सा जाहिर किया। यहां लोगों ने नाराजगी जताई, कुछ ने कहा अब आ गए, कल कहां थे, किसी ने बिना नोटिस के तोड़फोड़ का आरोप लगाया। ग्वालियर के किला गेट चौराहे से लेकर फूलबाग सेवा नगर तक सड़क चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका है। यह मार्ग इतना सकरा है कि उसे चौड़ा करने के लिए बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाना होगा। यहां पुराने किले के जमाने की बसाहट है। अतिक्रमण में करीब 40 लोग ऐसे हैं जिनका पूरा मकान या दुकान ही अतिक्रमण की जद में आ रही है। ऐसे में कई वर्षों से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही का विरोध हो रहा था। डेढ़ साल पहले भी प्रशासन नोटिस देकर कार्यवाही नहीं कर पाया था। लाठी चलानी है, लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए। लाठी चलानी है, लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है, पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं, जूते मारिए। पर मैं वही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा।